पूरे देश में इस समय कोरोना की मार है। राजधानी दिल्ली के भी बुरे हालात हैं, लेकिन इस सब के बीच राजनीति भी जमकर हो रही है। अब तक तो ऑक्सीजन को लेकर कभी केंद्र सरकार दिल्ली सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगा रही थी, तो कभी दिल्ली सरकार केंद्र पर। इस सब के बीच अब मजदूरों के पलायन का मुद्दा उठाते हुए बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए राजनीति करने का आरोप लगाया है। बता दें कि मायावती ने एक के बाद एक 3 ट्वीट करते हुए केजरीवाल पर लॉकडाउन में मजदूरों के पलायन पर फिर से नाटक करने का आरोप लगाते हुए लिखा, केवल हाथ जोड़कर दिल्ली के सीएम का यह कहना कि दिल्ली से लोग पलायन ना करें, यही नाटक कोरोना की पहली लहर के दौरान भी किया गया था। और सिर्फ दिल्ली के सीएम केजरीवाल ही नहीं, मायावती ने महाराष्ट्र, हरियाणा व पंजाब समेत बाकी राज्यों में मजदूरों के पलायन पर घेरते हुए लिखा, यह सब अब महाराष्ट्र, हरियाणा और पंजाब आदि राज्यों में भी देखने के लिए मिल रहा है। अब पंजाब लुधियाना से भी लोग काफी पलायन कर रहे हैं, यह अति दुखद है। यदि यहाँ की राज्य सरकारें इनमें विश्वास पैदा करके इनकी जरूरतों को समय पर पूरा कर देती तो फिर से ये लोग पलायन नहीं करते। और अब यहाँ की राज्य सरकारें इस मामले में अपनी कमियों को छुपाने हेतु किस्म किस्म की नाटकबाजी कर रही हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। इसके अलावा उन्होंने केंद्र और सभी राज्य सरकारों से गरीबों, दलितों और आदिवासी समाज के लोगों को फ्री में वैक्सीन देने की अपील भी की। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर में उद्योग धंधे बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में कोरोना की पहली लहर के बाद फिर से काम पे लौटे मजदूरों के आगे रोजगार का संकट खड़ा होने लगा है। जबकि दिल्ली में बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों से लोग काम करने के लिए आते हैं, ऐसे में इनके पलायन करने को लेकर सीएम केजरीवाल ने इनसे धैर्य रखने की अपील की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।